देखो ना, स्क्वायर लूप हैज ए साइड स्मॉल एन, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा। ठीक है, तो स्क्वायर लूप दे रखा है आपको, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कैपिटल आर है, सॉरी पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको, पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको लेमडा। टी इक्वल टू जीरो पर साइड ए बी वॉज ऑन वाई एक्सेस, ये आपकी यहाँ पर थी वाई एक्सेस पर थी ये सर। ठीक है, तो फाइंड आउट करंट इंड्यूस इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपना प्रोसेस अभी वही चल रहा है, हम केवल उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक कोई क्लोज लूप है उसमें काट के कितने की बैटरी लगाई, बैटरी कहाँ से आएगी, फैराडेज लॉ से आएगी। तो अभी हमारा प्रोसीजर सब में वही एप्लीकेशन है, इसी की बेसिक प्रैक्टिस है, बहुत सारे प्रॉब्लम बन जाते हैं इसी पर। ठीक है ना, इसके रीजन पर जब हम जाएंगे आगे तो फिर आगे के लेक्चर बनेंगे। ठीक है, अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि टी टाइम पर फ्लक्स लिखो, डी फाई बाई डी टी लिखो, तो बैटरी का मैग्नीट्यूड निकल आएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आप लेंज लॉ से लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर लूप है तो यहाँ पर, बट यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, वेरिएबल फील्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है ये फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है जैसे जैसे आगे जाए। तो आपको टी इक्वल टू जीरो पर भी बता रखा है कहाँ पर है। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर भी बता रखा है आपको साइड ए बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। तो वही करेंगे हम, तो टी टाइम पर लिखे आप, टी टाइम पर कहाँ पहुंच जाएगी साइड ए बी, अगर ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है तो लिख सकते हैं। बताइए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? t टाइम पर ये ना आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। ओके, ये जो आपके जो साइड है यहाँ पर x डिस्टेंस दूर पहुंच गई मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x v इंटू टी हो जाएगा। देखो डाउट तो नहीं किसी को? आपका ये लूप की साइड कितनी दूर हो जाएगी, x इक्वल टू v इंटू टी दूर पहुंच जाएगी यहाँ पर आ गई। ठीक है, और तो ये वाली साइड होगी x दूर, और ये कितनी होगी, x प्लस a दूर हो जाएगी ये वाली, क्योंकि स्क्वायर की साइड आपको ये दे रखी है। तो t टाइम पर ये लूप यहाँ मिलेगा, तो वही फंडा है, ध्यान रखे t टाइम पे फ्लक्स लिख के उसी को डिफरेंशिएट करना है कि इसके अंदर इस लूप में कितना इंड्यूस्ड EMF होगा ये निकालने के लिए। ठीक है, फिर करंट निकाल देंगे, बैटरी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, उससे करंट आ जाएगा। बट आपको पहले EMF एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, उसके लिए पहले फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना। ठीक है, अब क्योंकि वेरिएबल है फील्ड इंटेंसिटी, तो सब लोग समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे इस। तो ये आपका इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पर टोटल इस लूप से इंटीग्रेशन बी डॉट डी लिखना है। तो वाई डिस्टेंस पर जाके ये स्मॉल स्ट्रिप मान ली बेटा डी वाई थिकनेस। ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप मान ली डी वाई थिकनेस की वाई डिस्टेंस पर, तो इस स्ट्रिप से कितना फ्लक्स पास होगा, इस वाली स्ट्रिप से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताइए। इस वाले से जाएगा आपका बी डॉट डी ए, तो इतना कर चुके हैं अपन, इतना फ्लक्स सब लिख पा रहे हैं, किसी को दिक्कत है इस पे फ्लक्स लिखने में बताइए। बी नॉट ए डी वाई, हाँ, तो आपका बी इंटू बी नॉट बाई वाई, बी मतलब वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस इतनी स्मॉल है कि पूरे के लिए फील्ड कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, उतना ही मान सकते हैं जितना की वाई डिस्टेंस पर होता है। क्योंकि एक्स क्या यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है ना, लिखा नहीं है इसमें एक्स, वो लिखना चाहिए एक्स यहाँ से डिस्टेंस है। ठीक है, किसी भी x डिस्टेंस पर फील्ड ही है, तो यहाँ से y डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा, b नॉट अपॉन y, एरिया कितना हो गया a इंटू डी वाई। तो आपको अब पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स लिखना है, तो सारी इस तरह के स्ट्रिप्स कवर होनी चाहिए। तो y की वैल्यू ध्यान से कहाँ तक वेरी करेगी अन्नो बताओ, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी सर? वो x प्लस a से x तक। हाँ, ये लोअर लिमिट पहले लिखते हैं ना, कहाँ से शुरू हो रही है, मिनिमम सर वो x से x प्लस वन, x प्लस ए तक, x से लेकर x प्लस ए तक वेरी करेगी। तो ये बात क्लियर है बेटा सबको, x से x प्लस ए तक वेरिएशन, बताइए कोई डाउट नहीं है इसमें? तो आप लिमिट पुट कर दीजिए, देखो क्या बनेगा, ये डी वाई अपॉन वाई ये बनेगा, डी वाई अपॉन वाई बी नॉट इंटू ए लिमिट x टू x प्लस ए एल एन वाई, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनल फ्लक्स का एक्सप्रेशन इससे कितना आ जाएगा, फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका बी नॉट इंटू ए एल एन एक्स प्लस ए। तो बस अब एक्स को वी टी डाल देंगे, तो देखो ये हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बी नॉट ए एल एन वन प्लस ए अपॉन वी टी। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है डी फाई बाई डी टी। ठीक है,
तो एल एन वन प्लस एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स, फिर ए बाई वी टी का वापस से करेंगे क्योंकि ए बाई वी टी को हमने थोड़ी देर के लिए टी मान लिया था, ठीक है। फिर वन प्लस ए बाई वी टी का वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए अपॉन वी टी स्क्वायर है। तो देखो फ्लक्स आपका ई एम एफ इंड्यूस्ड आ गया, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी भी स्टेप पे बताइए। ई एम एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने, ठीक है। और करंट कितना होगा, EMF divided by resistance, क्योंकि पर यूनिट लेंथ आपको लेमडा दे रखा था तो ए साइड है स्क्वायर की और चार साइड है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, फोर लेमडा है। अब ई की वैल्यू उठा के रख दो, ये करंट चल रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जबकि अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस मूव कर रहा है आपके, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू आएगी। अब डायरेक्शन कैसी होगी ये बताइए, डायरेक्शन देख सकते हैं क्या, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। बी नॉट पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ है फील्ड, आपका क्रॉस है, ठीक है। फील्ड क्या है, क्रॉस है क्योंकि दिखा रखा है इसने सब कुछ एक्स ए वाई ए, तो अंदर की तरफ क्रॉस है और जैसे जैसे दूर जा रहा है तो एक्स बढ़ने के साथ साथ फील्ड कम होता जा रहा है, तो बेसिकली फ्लक्स कम हो रहा है कि नहीं जैसे जैसे आगे जा रहा है, बताइए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हाँ इनसाइड फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसलिए बढ़ाने के लिए क्या चलेगा, करंट आपका क्लॉकवाइज करंट चलेगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए डायरेक्शन कि आपका जैसे ही जैसे लूप दूर जा रहा है वाई जेड प्लेन से, तो आप देख रहे हो एक्स के बढ़ने के साथ साथ फील्ड कम हो रहा है, और फील्ड कैसे है अंदर की तरफ, तो इनसाइड फ्लक्स बेसिकली कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट अपने आप ऐसा चलेगा कि वो उस फील्ड को बढ़ाएगा इनसाइड प्लेन के। तो कैसे इनसाइड फील्ड प्रोड्यूस होगा जब करंट कैसे चलेगा, क्लॉक वाइज चले, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस प्रॉब्लम में क्या हो जाएगी, क्लॉक वाइज हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉक वाइज हो जाएगी। तो बताइए इसमें डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक, बिल्कुल भी। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही प्रोसीजर है बेटा, इसको फील करिए इस प्रोसीजर को। एक लूप होता है उसमें काट के बैटरी लग जाती है, वो बैटरी कहाँ से आती है, लॉ से आती है। कौन से लॉ से, फेराडे लॉ से आती है, डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। तो फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है तो बी ए थीटा में से कुछ भी चेंज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम बन सकते हैं, ठीक है। आप आगे जाएंगे तो रीजंस में जाएंगे और नई टेक्निक निकालेंगे ईएमएफ निकालने की, बट इस बेसिक बात को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि आप उसमें फिर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि हम हमेशा लूप में फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर हम डी फाई बाई डी टी निकाल, इसलिए मैंने इसके यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है ना। तो ये बात नहीं भूलनी, आगे हम कितना भी पढ़ लें ईएमआई में, बट ये बात बेसिक है कि आप लूप में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल देंगे तो हमेशा आपको बैटरी मिल जाए, ठीक है।